नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उप यंत्री को लोकायुक्त पुलिस सागर ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार भारत मिलन पांडे से रोड निर्माण कार्य का मूल्यांकन व बकाया बिल के भुगतान के एवज में लोक निर्माण विभाग पन्ना के उप यंत्री मनोज रिछारिया द्वारा 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। अपने भुगतान को लेकर परेशान ठेकेदार द्वारा इस बात की शिकायत लोकायुक्त पुलिस सागर में की गई, जहां से शिकायत के सत्यापन के उपरांत ट्रिप कार्यवाही के लिए लोकायुक्त पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़ी के नेतृत्व में दल गठित किया गया। योजना के अनुसार जैसे ही बुधवार को शिकायतकर्ता ठेकेदार भरत मिलन पांडे द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना में उप यंत्री मनोज रिछारिया को 1 लाख नकद व 2 लाख के 2 चेक कुल 7 लाख रुपए की रिश्वत दी गई, तभी लोकायुक्त की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रिश्वत लेने वाले उप यंत्री को रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज हमने एक लोक निर्माण विभाग में यंत्री मनोज रिछारिया को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक भरत मिलन पांडे द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त में, उनसे जो है उनके रोड निर्माण के बिलों के कार्य के मूल्यांकन और बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसको तस्दीक किया गया। सही पाए जाने पर आज हमने ट्रेड की कार्रवाई की और आज हमने उपयंत्री मनोज रिछारिया लोक निर्माण विभाग पन्ना को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाया। इसमें कुछ नगद और चेक की भी बात सामने आ रही है। हाँ, वो उसमें 1 लाख रुपए नगद है और बाकी 6 लाख रुपए का चेक उन्होंने लिया था, वो बरामद किया। इसमें ट्रैफिक नहीं किया, उनके हाथ में कलर आया है कि नहीं? हाँ, उनके हाथ रंगे गए हैं। कहाँ पर हुई ये कार्रवाई? लोक निर्माण विभाग का जो कार्यालय है, कार्यपालन यंत्री परिसर में ही है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।